हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डन विद नेचर पर। तो होप करती हैं आप सभी अच्छे होंगे, खूब अच्छे अच्छे काम में बिजी होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीडलिंग पर है। तो मैंने कुछ प्लांट की सीडलिंग की है, जिसमें ये मेरे साइप्रस वाइन के सीड्स लगा रखे हैं, और जिसमें मैंने जो कॉक्सकॉम प्लांट के सीड मैंने लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने जो सीड बाई किए थे वहीं से मुझे इसमें एक फ्री सीड का पैक भी मिला हुआ है, तो मैंने वो भी इस छोटे पॉट में ग्रो कर दिया है। अभी आफ्टर ग्रोथ पता चलेगा कौन सा वो सीड था और कौन सा प्लांट उसमें निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सीडलिंग तो मैंने कर दी है, लेकिन आप ऊपर का मौसम देख लो, बारिश का मौसम है, खूब अच्छे से बारिश होने वाली है, खूब अच्छे से पानी बरसने वाला है। तो सीडलिंग मैंने तो कर दी थी, लेकिन सीडलिंग के बाद हमें जो इस सीड को प्रोटेक्शन देनी है वो है इनको तेज धूप से बचाना, इनको ज़्यादा पानी से बचाना, और पहला काम हमारा यही होता है। और मैंने देखो हल्का सा इसमें पानी लगा दिया, अभी तो दो चार दिन इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने पानी से बचाने के लिए, आप चेक कर सकते हो, मैंने जो मधुमालती का जो छज्जा है इसी के नीचे मैंने इन प्लांट को रख दिया है। तो फ्रेंड, सीडलिंग तो हमने कर दी है, और अभी आप मौसम देख सकते हो, ऊपर मौसम बहुत ख़राब है, कभी भी तेज़ बारिश आ सकती है। और हमने जो सीडलिंग है इसको हमें एक तो तेज़ धूप से बचाना है, और दूसरा इसको तेज़ बारिश से बचाना है, ताकि ज़्यादा तेज़ धूप से भी हमारी सीडलिंग है जो वो मर सकती है, और ज़्यादा तेज़ बारिश से भी ख़राब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखो, मैंने इसको एक जो मेरे मधुमालती की बेल जो लगी हुई है ग्रिल के पास, मैंने उसी मधुमालती के छज्जे के नीचे इनको रख दिया है, ताकि बारिश से ये प्रोटेक्ट हो पाए और इन्हें कोई नुकसान ना हो। और फ्रेंड्स, अभी आज 24 अगस्त है, तो अभी देखते हैं कितने दिन में ये जो सीड्स हैं वो ग्रो होने के बाद प्लांट का रूप लेंगे। तो मैं वही सारी अपडेट आपको आगे आने वाली वीडियो में दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करना। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।